हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, आंसर राइटिंग प्रोग्राम सेकंड में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न लिखते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है आपको। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आज हम लोग विषय भूगोल एवं पारिस्थितिक तथा आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या इसका पहला है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। तो आप जान लीजिए कि पहले मृदा अपरदन का तात्पर्य जो प्रश्न है, प्रश्न का खंडों की अगर बात करें तो प्रश्न में जो खंड है इसमें पहला क्या है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो आप पहले इसको बताएंगे मृदा अपरदन का तात्पर्य, तो उत्तर लिखते समय क्या ध्यान देंगे, प्राकृतिक कारकों जैसे जल वायु आदि के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत का कट कर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। आप ये जान लीजिए, छोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि जब मृदा द्वारा हवा जल के द्वारा मिट्टी के ऊपरी भाग को या तो उड़ा लिया जाता है या उसे काट कर बहा दिया जाता है, उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन जल, मृदा अपरदन किससे किससे होता है, जल वायु तथा हिम नदियों हिमानियों द्वारा होता है। वनस्पति विहीन तीव्र ढाल वाले प्रदेशों में जल के बहाव के कारण अवनलिका अपरदन होता है, जिससे जिसमें गहरी नालियां बन जाती हैं, जैसे चंबल तथा यमुना नदी घाटियों की गहरी नालियां बिहड़ जब तेज वायु बड़े क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत उड़ा कर ले जाती है तो इसे आप परतदार अपरदन कहते हैं। जैसे राजस्थान व निकटवर्ती क्षेत्रों में परतदार अपरदन होता है। अब अपरदन को ग्राफ से समझते हैं, अपरदन को ग्राफ से समझते हैं क्या है। मृदा अपरदन पवन द्वारा, मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है आपको बता दें, मृदा अपरदन पवन द्वारा, पवन हवा, हवा द्वारा जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते या मिट्टी की जुताई करके छोड़ दिया गया है या रेगिस्तानी मिट्टी है वहां पर हवा द्वारा जो है मृदा अपरदन होता है। जल द्वारा ये है, इस चित्र डायग्राम में देखिए आप, ये देखिए हवा है, हवा के झोंके ऐसे आ रहे हैं और ये क्या करते हैं, हवा के झोंके पेड़ रहित पेड़ नहीं है और परिणाम क्या हो रहा है कि मिट्टी को उड़ा लिया जाता है, बाद में वायुदाब कम होने पे जो है एक जगह एकत्र हो रहे हैं। तो ये जो है मृदा अपरदन का एक कारण है और इस अपरदन को क्या कहा जाता है, परतदार अपरदन। क्या कहा जाता है, परतदार अपरदन कहा जाता है। अब इसका अगला भाग देखिए, जल द्वारा दूसरा है इसका, जल द्वारा किसके द्वारा, जल द्वारा अपरदन हो रहा है। जल द्वारा अपरदन कैसे होगा, जल द्वारा तो जल आप जान लीजिए कि नदी, नदी के बहाव, नदी बहाव द्वारा, बहाव द्वारा अपरदन करती है और नलिका अपरदन ये कहा जाता है। इस अपरदन को क्या कहा जाता है, अवनलिका अपरदन कहा जाता है। ये क्या करता है, किस प्रकार का अपरदन करता है, अवनलिका अपरदन करता है, ठीक है, अवनलिका अपरदन करता है। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय, प्रश्न का दूसरा जो भाग है वो ये कह रहा है मृदा अपरदन को रोकने का उपाय, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन पर नियंत्रण हेतु दो प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन, लघु उपाय एवं बृहद उपाय। लघु उपाय क्या है, लघु उपाय के लिए, लघु उपायों के अंतर्गत वनारोपण, पेड़ पौधे लगाना, समोच्च रेखी कृषि, मतलब समोच्च रेखी कृषि करना, फूट एवं घास पात का उपयोग, अवनलिका रोधन और अधिक पशुचारण और झूम कृषि पर नियंत्रण, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु वेग तथा वायु अपरदन में अवरोध के लिए सुरक्षा पेटियों तथा वायु अपरदन अवरोध के लिए सुरक्षा पेटियों तथा वायु विच्छेदन का निर्माण करना,
कृषि में एकांतर तकनीक का उपयोग वैज्ञानिक सस्यावर्तन विधि का उपयोग, ये सस्यावर्तन का मतलब होता है वैज्ञानिक कृषि का उपयोग करना, शुष्क कृषि का उपयोग आदि, ये जो है शुष्क कृषि आदि का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, शुष्क कृषि आदि का इसमें उपयोग किया जाता है। अब बृहद उपाय के अंतर्गत आप देखेंगे, बृहद उपाय में जिस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, बृहद उपाय में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है बृहद उपाय, इसके अंतर्गत मृदा अपरदन को रोकने के लिए भूमि सुधार, जैसे भूमि आपके ऊसर है या भूमि में हम फसल चक्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका प्रयोग करते हैं, कि इसकी जो है हेतु जारी की गई बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाता है, इसमें बीहड़ भूमि का उद्धार किया जाता है, उभर खाबड़ भूमि को क्या किया जाता है समतल बना दिया जाता है, और बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध बनाए जाते हैं, वनारोपण किए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं, और परती भूमि का पुनरुद्धार किया जाता है, जो परती भूमि पड़ी रहती है जिसमें पशुचारण होता है उस भूमि को पुनः जो है कृषि के योग्य बनाया जाता है। झूम कृषि जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, कि झूम कृषि क्या है, एक स्थान पर खेती करने के बाद दूसरे स्थान पर खेती करने हम चले जाते हैं, ये जो है झूम कृषि है, इस पर भी हम नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, इस पर रोक लगाते हैं, ठीक है। क्षारीय एवं ऊसर भूमि का उद्धार किया जाता है, इसको सुधार किया जाता है, सुधार करने के लिए इसमें आप जान दिए केचुए का पालन कराया जाता है जो किसानों का मित्र है, और इसका सुधार करके भी इसमें क्या करते हैं सावधानियां बरतते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो है, भूकंप एवं प्लेट टेक्टोनिक सह संबंध का विश्लेषण कीजिए। भूकंप और ये भूकंप है, भूकंप और इसके बीच में क्या संबंध है, भूकंप एवं प्लेट टेक्टोनिक सह संबंध, मतलब इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं का विश्लेषण कीजिए। भूपटल में उत्पन्न तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। भूकंप क्या परिभाषा क्या है भूकंप की, भूपटल में उत्पन्न तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। भूकंप प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न हो सकता है, भूकंप जो है प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से उत्पन्न हो सकता है। भूकंप के आने के कारण सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भूतल पर ऊपरी भाग, भूतल का ऊपरी भाग दृढ़ पिंडों का बना होता है जिसमें जिसे प्लेट कहते हैं। अब तक सात प्रमुख प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अटलांटिक आर्कटिक प्लेट और अनेक लघु एवं सूक्ष्म प्लेटों की खोज की जा चुकी है। इन प्लेटों की परस्पर टकराहट से या घर्षण से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यही ऊर्जा तरंगों के रूप में धरती की सतह तक पहुंचती है और भूकंप या कंपन उत्पन्न कर देती है। जब ये ऊर्जा वहां से बाहर निकलती है घसराव के कारण, तो तनाव होगा, तनाव के बाद से मुक्तावस्था होगी, और मुक्तावस्था के कारण जब जो है एकाएक पृथ्वी जब रुकने लगती हिलेगी, और हिलने के बाद जो है क्या होता है कंपन उत्पन्न होगा, हिलना मीन कंपन उत्पन्न होना, और कंपन उत्पन्न होगा और इसी से जो है क्या होगा भूकंप आ जाते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे की ये देखिए सतह चित्र द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं हम लोग। देखिए आपको पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटें बनी होती हैं, प्लेटों के ऊपर नीचे होने के कारण क्या आता है भूकंप आता है। ये है आपका गतियां है, रूपांतरित गति है, ये ऊपर और नीचे के अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं, फिर दाएं बाएं बल लगते हैं, प्लेटों का एक दूसरे से दूर से जाने के कारण भी ऐसा होता। अपसारी गति क्या होती है, अभिसारी गति, अपसारी अभिसारी दोनों प्रकार की गतियां इसमें लगती है, घर्षण उत्पन्न करता है। प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाने के कारण इस प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं।
प्लेटों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के कारण भी इस तरह की गतियां उत्पन्न होती हैं। इस तरह अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे क्वेश्चन का, इस तरह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भूकंप के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, परंतु प्लेट टेक्टोनिक भूकंप का एकमात्र कारण नहीं है। भूकंप का एकमात्र कारण या नहीं है, इसके अलावा उल्कापात, ज्वालामुखी घटनाएं, भ्रंशन, भूस्खलन आदि भी भूकंप के अन्य प्राकृतिक कारण है। नाभिकीय परीक्षण भी भूकंप का कारण बन सकता है। बांध एवं जलाशय खनन आदि भूकंप के मानव जनित कारण है। आपको बता दें, मानव जनित कारणों में नाभिकीय परीक्षण, बांध और जलाशय खनन आदि जो है भूकंप का कारण बनते हैं, जो मानवीय कारण होते हैं। ये मानवीय कारण होते हैं, इतना आपको लिखना है, प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन से होने वाली क्षति का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाइए। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव से क्या क्या नुकसान होता है, इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसकी बात यहां पर की गई है। आपको बता दें, तो ये क्या है, ये जो है क्या है, मृदा अपरदन से होने वाली क्षति का उल्लेख करते हुए इसके समाधान का उपाय सुझाइए। इसके समाधान क्या है, मृदा अपरदन वर्तमान विश्व की एक गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार विश्व की एक तिहाई मृदा क्षेत्र अपरदन की समस्या ग्रस्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार विश्व की एक तिहाई मृदा क्षेत्र अपरदन की समस्या ग्रस्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% मृदा अपरदन से ग्रसित है। मृदा अपरदन से होने वाली क्षतियां क्या क्या हैं, भूमि बंजर हो जाती है, भूमि क्या बंजर हो जाती है, मतलब ये खेती के योग्य नहीं होती, मतलब इसमें खेती करना क्या होता है, खेती करना कठिन हो जाता है। क्या होता है, खेती करना कठिन हो जाता है। सूक्ष्म जीवों का विनाश, छोटे छोटे जो लघु जीव होते हैं जो भूमि के लिए लाभकारी होते हैं, उनका विनाश हो जाता है। मृदा की उर्वरता की कमी हो जाती है, मृदा में उर्वरता मतलब उर्वरता में ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ जाती है, जो भूमि के अंदर रंध्र होते हैं, रंध्र धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन, वहां मिट्टी में जो है नमी की कमी आ जाती है। भूमि की उत्पादकता में ह्रास हो जाता है। मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है, मरुस्थलीकरण मतलब धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी जो है बालू के रेतों में बदलने लगती है। और कृषि क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, जब भूमि ऊसर हो जाएगी या बंजर हो जाएगी या रेतीली हो जाएगी तो वहां पर खेती नहीं की जाएगी, ये समस्या आ जाती है। जैव विविधता का ह्रास हो जाता है, जैव विविधता जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दलदली भूमि थी, यहाँ पर उष्ण भूमि थी, यहाँ पर मैदानी भूमि थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये एक तरह का रूप धारण करने लगेगा। अब पता चला कि पूरे के पूरे क्षेत्र में रेतीली भूमि का आविष्कार हो जाता है और यह मिट्टी जो है धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव, जैसे दलदली क्षेत्र है, आपने सुना होगा रामसर समझौता की तरह जो है इनको संरक्षण करने की बात की गई है। तो आपको बता दें, जैसे ये क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होता है, जहां पर मैदानी इलाका है वहां के मानसूनी वनों की जगह पर अब झाड़ियां उत्पन्न होने लगती हैं, इस तरह की समस्या भी आ जाती है। अगला आपका है, इसका समाधान क्या क्या है, अभी तक इसकी आप देखें कि इसके हानियां क्या क्या थी, अब इसका समाधान किन के रूपों में कर सकते हैं, मृदा अपरदन का समाधान क्या है। मृदा अपरदन का समाधान, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही मृदा अपरदन रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, मतलब भूमि सुधार का कार्यक्रम भारत सरकार ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद से शुरू कर दिया था। सरकार द्वारा इसके लिए वर्ष 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया, कब, 1953 में एक केंद्रीय बोर्ड, भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके तीन उद्देश्य हैं। पहला क्या है, असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाना, मतलब असमतल भूमि जो है इसको वैज्ञानिक विधि द्वारा, किसके द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक
विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, समतल बनाया जाता है उभर खाबड़ खेतों को, रोटावेस्टर और समतलीकरण यंत्रों द्वारा उसे क्या है, समतल कर दिया जाता है। मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना, जैसे राजस्थानी मिट्टी जो है रेगिस्तानी मिट्टी है उस पर धीरे धीरे नियंत्रण करने की बात किया गया है। वर्तमान कृषि कृषित भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना, वर्तमान में जो खेती है उसको उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए जाने का उपाय भी बोर्ड सुझाता है। और इसके लिए आप जो है फसल चक्र अपना सकते हैं, क्या अपना सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं और फसल चक्र द्वारा इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे एक बार जो है आप मूसला जड़ वाली फसल बोएंगे, मूसला जड़ वाली, जैसे मान लीजिए कि आप अरहर 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 की खेती करने के बाद आप गेहूं धान की फसल लगा सकते हैं, मतलब फसल चक्र आप लगाएंगे। या आप एक समझ सकते हैं कि नाइट्रोजनी फसल, जैसे उसमें जो है जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों के अतिरिक्त जो है जैसे इस तरह के जो द्विबीजी पौधे होते हैं इनके अतिरिक्त जो है बाद में आप रेशेदार फसलों का उगाया जाना, इस तरह के इसी को फसल चक्र कहा जाता है। पशुचारण पर नियंत्रण, फसल चक्र पद्धति का अपनाया जाना, जल के तीव्र वेग, जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी, बीहड़ प्रबंधन, बीहड़ों का समतलीकरण और वृक्षारोपण, ढालों पर सीढ़ीनुमा कृषि करना, जैसे उत्तराखंड में आप चले जाइए तो ढालों पर क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। सिंचाई के लिए जो है स्प्रिंकलर और छिड़काव विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्या होता है, छिड़काव विधि द्वारा खेती किया जाना चाहिए। समुच्च रेखीय एवं ढाल में लंबवत जुताई करनी चाहिए, ढालों में और समुच्च रेखीय ढाल पर क्या होता है इस तरह की जुताई करनी चाहिए जिससे मिट्टी नीचे की ओर ना जाए, इस तरह की मतलब जुताई करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप इसको समझ लीजिए उदाहरण द्वारा कि ये आपका जो है एक ढाल है, ये जो ढाल एक टीला है इसकी जुताई इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी पूरा नीचे की ओर आ जाएगी और जो है इससे मृदा अपरदन तेजी से होगा, लेकिन हम क्या करते हैं इस तरह की जुताई करवाते हैं, इस तरह की जो जुताई कराते हैं जिससे मिट्टी का स्तर वहां पर बना रहता है, समझ गए। जैव उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा उर्वरता शक्ति को बनाए रखना, उपयुक्त प्रयासों के सम्मिलित प्रभाव से मृदा अपरदन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि संभव है, जिससे मृदा की उर्वरता में क्या होगा वृद्धि संभव हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका ज्वालामुखी की क्रिया क्या है, ज्वालामुखी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर आईटी प्रोग्राम का ये आपका तीसरा चौथा प्रश्न है, इसमें आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि मृदा अपरदन, मृदा अपरदन ज्वालामुखी की क्रिया क्या है, ज्वालामुखी क्रिया को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूगर्भ में मैग्मा बनने से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार के द्वारा धरातल पर लावा के प्रवाह होने की क्रिया को शामिल किया जाता है, ये ज्वालामुखी की परिभाषा है। पहले ज्वालामुखी क्रिया क्या है, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूगर्भ में मैग्मा बनने से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है या उद्गार के द्वारा धरातल पर लावा के प्रवाह होने तक की क्रिया को शामिल किया जाता है। भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों का गलन होकर तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने लगता है, जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है, क्या कहलाएगा मैग्मा कहलाएगा, और जब यह मैग्मा ऊर्ध्वाधर प्रवाह द्वारा एवं ज्वालामुखी क्रिया से धरातल पर मैग्मा का उद्गार होता है तो उसे लावा कहते हैं। अब आप इस चित्र है, चित्र द्वारा आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये जो है ज्वालामुखी छिद्र है, ज्वालामुखी मुख कहते हैं इसे, और ये जो है ज्वालामुखी क्रेटर है, क्रेटर झील का निर्माण भी होता है, क्रेटर झील जो है आपको पता है कि गंधक से गंधक युक्त जल वाली होती है जिसमें नहाने से चर्म रोग जो है ठीक हो जाता है। तो आप ये चित्र है, चित्र द्वारा आप इसको समझिए आसानी से, ये ज्वालामुखी छिद्र है, ज्वालामुखी छिद्र ये है, और ये जो है ज्वालामुखी क्रेटर है,
ये लावा का उद्गार है, ये जो बाहर लावा निकलने लगता है धराता, इसी को उद्गार कहते हैं। ज्वालामुखी की नली है, इसको नली कहते हैं। ये मैग्मा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह है और अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों का गलना है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण चट्टान जो है धीरे धीरे तरल पदार्थों में बदलने लगती है। ये ज्वालामुखी की संरचना का चित्र है। क्या है? ज्वालामुखी संरचना का चित्र है। ठीक है, तो इस प्रकार की विधि द्वारा इसको ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न होती है। चित्र द्वारा इसको आप आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। ग्राफ का प्रयोग, प्रश्न का उत्तर लिखते समय ग्राफ का प्रयोग जरूर किया करिए। अब ज्वालामुखी से तात्पर्य उच्छिद अथवा दरार से है, जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल का आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को निम्नलिखित तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। ये आपका जो है सिल्ड ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। सामान्यतः यह कम विस्फोट तक होते हैं। इन ज्वालामुखियों के निकास पर एक शंकु बनता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी तरह के ज्वालामुखी होते हैं। ये जो है इस तरह के ज्वालामुखी कहां पर बनते हैं? बेसाल्ट ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी जो होते हैं, सिल्ड ज्वालामुखी वहां पर बनते हैं। अब मिश्रित ज्वालामुखी जो होता है, प्रक्रिया होती है, ये क्या है? ये ज्वालामुखी प्रायः अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। इनमें उद्गारित लावा बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडा व गाढ़ा होता है। जैसे जापान का माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी इस तरह का है। इसके बाद ज्वालामुखी कुंड की बात करें, ज्वालामुखी कुंड क्या होते हैं? ये ज्वालामुखी, इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, जिसमें विस्फोट के बाद धसाव होता है। धसे हुए विध्वंस गर्त को ही ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। जैसे इंडोनेशिया का क्राकातोआ ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का क्राकातोआ ज्वालामुखी ज्वालामुखी कुंड के रूप में जाना जाता है। अब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, उसकी बात करते हैं। ये ज्वालामुखी एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में अत्यधिक तरल लावा का उद्गार करते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप बृहद बेसाल्ट, दक्कन का ट्रैप बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण है। मध्य महासागर का कटक ज्वालामुखी, ये क्या है? इस ज्वालामुखी की बात करें, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरीय बेसिन क्षेत्रों में होता है। इस कटक क्षेत्र में मध्यवर्गीय भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। जैसे किलाऊ जावा ज्वालामुखी हवाई द्वीप का जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है जागृत ज्वालामुखी, ये क्या होता है आपको बता दें, एक होता है इसमें जागृत ज्वालामुखी। क्या होता है? जागृत ज्वालामुखी, जिनसे सदर उद्गार होता है, इसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार है प्रसुप्त, प्रसुप्त को उद्गार के बाद शांत परंतु अचानक उद्गार प्रारंभ होता रहता है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? उद्गार के बाद एक बार शांत हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद अपने आप उद्गार होने लगता है। इस तरह के ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं, या इन्हें सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो है क्या होते हैं, उद्गार पूर्णतया समाप्त हो जाता है, ज्वालामुखी में विभिन्न विभाजित किया जाता है। ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी के अतिरिक्त उद्गार के अवधि के अनुसार जो है ज्वालामुखी का यह विभाजन है। ठीक है, अवधि के अनुसार ज्वालामुखी किस किस भागों में बांटे जाते हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी में इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी को इसके आधार पर भी बांटा जाता है। तो ज्वालामुखी के बांटने का तरीका जो है अलग अलग है, आपको बता दें। जैसे पहला विभाजन आपने जो देखा था, वह विभाजन आपका क्या था? आप जो ज्वालामुखी से जो ये ज्वालामुखी की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को बांटा गया है। किस आधार पर? इस ज्वालामुखी का पहला विभाजन आपने जो देखा था, साधारणतः आप नीचे जो अपने आप ही बाद में आप देखेंगे उस प्रकार का विभाजन देखते हैं। समय के आधार पर आप, या उद्गार के आधार पर, समय उद्गार के आधार पर आप ज्वालामुखी का विभाजन अभी तक पढ़ा होगा। लेकिन ये आपका जो ज्वालामुखी का है, ये जो है धरातल
ये जो है उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल विकसित धरातल आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन है, जिसमें सिल्ट ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड और प्रवाह क्षेत्र आदि में बांटा जाता है और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के रूप में इसको बांटा जाता है। ये जो है आपका बांटने का तरीका अलग है, प्रायः जो है लोग क्या करते हैं इसको ही बता देते हैं कि ये जो है इसके अतिरिक्त जो है उद्गार अवध के आधार पर ज्वालामुखी का जो विभाजन होता है, प्रायः हम किताबों में इसी को पढ़ते हैं और इसी का आंसर हम क्या करते हैं लिख देते हैं, जिसके कारण नंबर क्या होता है हमें कम मिलता है। तो जागृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, अप्रसुप्त ज्वालामुखी, ये क्या है, ये ज्वालामुखी ये भी प्रकार है लेकिन मुख्य प्रकार नहीं है। इसके दो प्रकार हैं, एक जो है स्थलाकृतियों के निर्माण और आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को बांटा गया है और दूसरा जो है इसका जो है उद्गार की अवध के अनुसार इनको बांटा गया, इस प्रकार के ज्वालामुखी ये है। अगला प्रश्न है आपका पांचवा है, पांचवा प्रश्न जो है आपका वो क्या है, महासागरीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। आपको बता दें ये प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ये क्या है आपको बता दें, अब इसको आप देखिए प्रश्न, अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप ये सोचेंगे, पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिभाषा आपको लिखना है, को परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो जर्मन जलवायुवेत्ता एवं भूगर्भ शास्त्री अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत की मूलभूत संकल्पना यह है कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप पांजिया रूपी एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे तथा इस भूखंड के चारों ओर पैंथलासा रूपी विशाल महासागर था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पांजिया का सर्वप्रथम दो बड़े भूभागों में पिंडोलारेसिया और गोंडवाना में क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजन हुआ। इसके पश्चात लारेसिया एवं गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गया तथा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित ध्रुवीय प्लीइंग बल और सूर्य व चंद्रमा के आकर्षक से संबद्ध ज्वारीय बल के कारण विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हुए। लारेसिया के विखंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अस्तित्व में आए। आपको बता दें लारेसिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अस्तित्व में आए, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत अस्तित्व में आया। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, पांजिया का विखंडन एवं महाद्वीपीय द्वीपों का प्रवाह। वेगनर के सिद्धांत को समझते हैं क्या है, वेगनर क्या कहते हैं आपको बता दें, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पांजिया का विखंडन एवं महाद्वीपों का प्रवाह की बात करें, वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, वेगनर ने अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भूवैज्ञानिक और संरचना, पर्वत क्रमों में समानता, चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाशेषों तथा वनस्पतियों के अवक्षेपों में पर्याप्त समानता बताई। उनके अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अगर जोड़ा 500 फीट जाए तो वे अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। अवसादी चट्टान टिलाइट हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं। इन टिलाइट चट्टानों का भारत, अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, फाकलैंड द्वीप समूह जानते हैं कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पास है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, फाकलैंड द्वीप, मेगागास्कर, अटलांटिक
और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है मेसोसारस। क्या है मेसोसारस? मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीवों की अस्थियां दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर तैल समूह में मिलना यह प्रमाणित करता है कि ये दोनों स्थल एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, क्योंकि दो जो जीव जो है दोनों स्थानों पर पाए जा रहे हैं, अस्थिपंजर मतलब उनके अवशेष पाए गए हैं, ये बता रहा है कि निश्चित ये द्वीप समूह दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। लैमूर नामक जीव का भारत मेडागास्कर अफ्रीका में मिलना ये बताता है कि ये भी दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। इस तरह वनस्पतियों जंतुओं एवं तटीय भू आकृतियों आकृतियों एवं चट्टानों एवं मृदा की एक समान विशेषताएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि आज के बिखरे भू क्षेत्र कभी एक रहे होंगे। अगला है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। यह आपका छठवां प्रश्न है। ये कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय का उद्भव भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट्स के टक्कर होने के कारण हुआ। उत्तर में अवस्थित यूरेशियाई प्लेट का एवं दक्षिणी भाग में स्थित भारतीय प्लेट के मध्य एक सागर था जिसका नाम था टेथीज नामक एक भू अभिनित थी जिसको सागर कहा जाता है। सागर था भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से टेथीज सागर सिकुड़ने लगा। भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के नीचे निक्षेपण होने से टेथीज सागर में अवसाद संपीड़ित होकर ऊपर उठने लगे। जैसे आपको बता दें कि ये क्या हुआ, जैसे एक ये चट्टान है और ये चट्टान इस अवस्था में है, दूसरी चट्टान इधर से आकर उसमें टकरा जाती है, एक चट्टान दूसरे चट्टान जब टकराई यहाँ जो सागर था ये इस आकार में होने लगा। परिणाम स्वरूप विश्व का सबसे गहरा सागर और विश्व के बहुत बड़े भू आकृति क्षेत्र में बदल गया। इस तरह की आकृति ये बनाता है और उठने लगा जिससे हिमालय पर्वत अस्तित्व में आ गया। इसके साथ ही हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण बेसिन में अपरदन के कारण बलुआ पत्थर एवं बजरी का निक्षेपण प्रारंभ हो गया। इस निक्षेपण से भू अभिनित की गर्त भरने की प्रक्रिया आरंभ हुई। भूगर्भिक सर्वेक्षणों से प्राप्त प्रमाणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि हिमालय की उत्पत्ति तीन मुख्य अवस्थाओं में घटित हुई। पहली अवस्था में बृहद हिमालय जिसे केंद्रीय हिमालय हिमालयी अक्ष का स्थान हुआ, इसकी रचना ओलिगोसीन से लेकर इओसीन युग की रवेदार तथा अवसादी चट्टानों से हुई थी। माओसीन युग में दूसरा स्थान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। उत्तरी प्लायोसीन युग में तीसरे स्थान के रूप में शिवालिक हिमालय अस्तित्व में आया था। इस प्रकार हिमालय का स्थान एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है और यह वर्तमान समय में भी जारी है। हिमालय पर्वत के सभी वर्तमान लक्षण तथा स्तर की विभिन्नताएं यहाँ की भू आकृतियों आकृतिक जटिलताओं को दर्शाती हैं। इन लक्षणों का विकास अपरदन के कारण जैसे हिमानी तथा नदियों द्वारा प्रवाहित जल द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका सातवां जो प्रश्न है वह है कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप बुलाए जाते हैं, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो ये मतलब कह रहा है कि कभी भूकंप तो आ जाते हैं लेकिन कभी भूकंप बुलाए भी जाते हैं, इसकी बात इस बात कहां तक सत्य है इस बात का तुलना करना है। तो आपको बता दें जो प्रश्न है पहले इसको समझते हैं। भू अभ्यंतर विषय में ज्ञान प्राप्त के साधनों में ज्वालामुखी से निकले पदार्थ धरातल के नीचे हुए खनन
भूकंपीय तरंगों का अध्ययन तथा आकाशीय पिंडों पर हो रहे शोध मुख्य हैं। सभी स्रोतों पर भूकंपीय तरंगों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले गर्म और गाढ़े लावा से पृथ्वी के अंदर के तापमान, दाब और घनत्व की जानकारी मिलती है, परंतु यह लावा मात्र कुछ किलोमीटर की गहराई तक का ही सैंपल होता है। इसी प्रकार पृथ्वी की सबसे गहरी खान की मात्र 4 किमी दक्षिणी अफ्रीका की मोपेंग स्वर्ण खान 3.9 किमी गहरी है की गहराई तक ही की सूचना दे पाती है। खनन भले ही धरातल के नीचे की विशेषता, चट्टानों का संगठन व संरचना आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता हो, परंतु इनकी सीमा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किमी की तुलना में लगभग नगण्य है। वर्तमान में उल्का पिंडों के अवशेषों तथा क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, चंद्रमा तथा मंगल ग्रहों जैसे आकाशीय पिंडों पर अन्वेषण व अध्ययन से भी भू अभ्यंतर के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इनसे प्राप्त ज्ञान पृथ्वी के संदर्भ में द्वितीयक ही रहा होगा। उपरोक्त स्रोतों के विपरीत भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से भू सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक संगठनात्मक व संरचनात्मक विशेषताओं एवं उनमें हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान असंभव हो चुका है। भूकंप आने पर उसके अधिकेंद्र से निकली प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के भीतर से गुजरते हुए पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। भू सतह पर स्थित सिस्मोग्राफ स्टेशनों पर इन तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तरंगों के आने में लगा समय तरंगों के विचलन, परावर्तन तथा वह अनुपस्थिति आदि के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही पृथ्वी को विभिन्न संस्तरों, क्रस्ट, मैटल व क्रोड में विभाजित किया गया है। विभिन्न संस्तरों की विभिन्न विशेषताओं, यथा वाय क्रोड तरल है जबकि क्रोड का आंतरिक भाग ठोस है, का ज्ञान संभव हो पाया है, जो अन्य किसी भी स्रोत से ज्ञात होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। अब पृथ्वी की आंतरिक बनावट की चर्चा हम करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है? ज्वाला पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने का साधन तो पहला है ज्वालामुखी और सतह के नीचे की खुदाई और आकाशीय पिंड और भूकंपीय तरंगे। आप जान लीजिए कि पृथ्वी को जानने के कारण क्या क्या है। पहला गुण की बात करें और सीमाएं, तो ज्वालामुखी के गुण क्या क्या है? पारस्परिक साधन और नीचे की विशेषताओं का ज्ञान देता है, चट्टानों की संरचना व संगठन का यह ज्ञान देता। 3 इसके गुण है। दोष क्या है? सीमाएं क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान देता है या अप्रत्यक्ष ज्ञान नहीं देता, सीमित गहराई तक की ही जानकारी देता, जैसे 3.9 अधिकतम 4 km मतलब किलोमीटर तक की ही जानकारी दे पाता है, इससे ज्यादा ये जानकारी नहीं देता। अब बात करते हैं सतह के नीचे की खुदाई जो है, इससे क्या क्या प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आकाशीय पिंड भूगर्भ के अगम्य भाग की विशेषताओं का अनुमान, सीमित सैंपल उपलब्ध कराना, विकासशील अवस्था, ये जो है इसकी जो है भूगर्भ के अगम्य भाग की विशेषताओं का अनुमान लगाता है, और इसकी सीमाएं क्या है? सीमित सैंपल उपलब्ध कराना, विकासशील अवस्था ये बताता है, ये जो है विकासशील अवस्था बताता है, विकसित स्वरूप नहीं बताता है। भूकंपीय तरंगे, इसके गुण क्या क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है, अनेक पुनर्परीक्षणों द्वारा स्थापित, केवल अनुमान पर आधारित होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होता है, इसकी सीमाएं ये है। अंततः भूकंपीय तरंगों द्वारा प्राप्त सूचनाएं भले ही अप्रत्यक्ष हैं, वैज्ञानिक विधि द्वारा इनके संकलन व विश्लेषण में हमें संपूर्ण पृथ्वी के विषय में सर्वाधिक तार्किक ज्ञान प्रदान किया है। अब भूकंपी तरंगों के बिना अगला प्रश्न है आपका, 8वां प्रश्न है, भूकंपी तरंगों के बिना पृथ्वी के
अभ्यंतर का ज्ञान असंभव है, आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें तो प्रश्न का विचार है, ये प्रश्न विचार है। प्रश्न विचार क्या है? प्रश्न विचार इसका क्या है आपको बता दें तो प्रश्न विचार है, प्रश्न में भूकंप के कारणों पर चर्चा करने का निर्देश है। प्रश्नगत कथन यह कहता है कि भूकंपों के दो कारण हैं, एक सतह, एक वह प्राकृतिक कारणों स्वयं आता है से आ जाता है, तो दूसरा वह मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बुलाया जाता है भी उत्पन्न होता है। प्रश्न में कथन के परीक्षण का निर्देश है, अर्थात यह परीक्षण किया जाता है कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो आप जान लीजिए प्रश्न ये विचार है कि प्रश्न में किन किन चीजों को लिखना है। अब उपर्युक्त कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं आते, अपितु तो कई बार अवैज्ञानिक एवं अनियोजित मानवीय क्रियाकलाप भूकंप का कारण बनते हैं। भूकंप जिसका शाब्दिक अर्थ होता भूमि का कापना किसी एक कारण से नहीं अपितु अनेकानेक कारणों से होता है। भूकंप के प्राकृतिक कारण क्या क्या हैं? ज्वालामुखी की क्रिया भूकंप का एक प्राकृतिक कारण है। तीव्र एवं विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप इसी कारण आते हैं। भूकंप, अब भूकंप बता दें पृथ्वी का कंपन और दूसरा है कारण। तो भूकंप के कारण क्या क्या हैं? एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। ग्राफ बनाना जरूरी होता है प्रश्नों में उत्तर लिखते समय। तो ग्राफ देखिए क्या है, ज्वालामुखी की क्रिया। पहला इसका क्या है? ज्वालामुखी की क्रिया प्लेट टेक्टोनिक क्रिया और मैग्मा द्वारा धरातल के भीतर दबाव, हिम खंडों का गिरना, गुफाओं का धसना और पृथ्वी के आंतरिक सुकुड़न उत्पन्न करना तथा अपर्दन तथा अपक्षय के कारण उत्पन्न धरातलीय असंतुलन। मानवीय कारण क्या है? बांध में रोके गए जल के भार में असंतुलन, परमाणु विस्फोट और औद्योगिक विस्फोट, ये जो कराए जाते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षण कराए जाते हैं अवैज्ञानिक तरीके से, उससे भी भूकंप आने की क्रिया तीव्र हो जाती है। इससे भी भूकंप क्रिया आने की तीव्र हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है आपको बता दें कि ज्वालामुखी क्रिया के अतिरिक्त कभी कभी मैग्मा सतह पर आ पाने के कारण धरातल के अंदर ही दबाव डालता है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न होता है। कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक सिकुड़न के कारण शैलों के संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होता है और पुनः संतुलन स्थापना के क्रम में भूकंप की घटना घटित होती है। पृथ्वी की धरातली संरचना में अपक्षयन तथा अपर्दन के कारण कभी कभी असंतुलन व्याप्त हो जाता है, जिससे चट्टानों पर तनाव पड़ता है। चट्टानों के तनाव में प्रबंधन के क्रम में भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की धरातली प्लेटों के संचरण के परिणाम स्वरूप दो प्लेटों के संधि बिंदु पर भूकंपीय घटनाएं देखी जाती हैं, क्योंकि संधि बिंदु विशेषकर आरक्षी प्लेट किनारा एवं घर्षण प्लेट किनारा पर चट्टानों पर भारी तनाव उत्पन्न होता है। कभी कभी हिमखंडों के गिरने, गुफाओं की छतों के ढहने आदि से भी भूकंप आते हैं। भूकंप के मानवीय कारणों में बांधों को भूकंप का प्रमुख कारण माना जाता है। संवेदनशील भू क्षेत्रों में बांध बनाकर जल रोकने से जल के भार में उत्पन्न तनाव भूकंप का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त परमाणु विस्फोट औद्योगिक गतिविधियों हेतु किए गए विस्फोट भारी मशीनों एवं रेल आदि भी भूकंप का कारण
बनते हैं, ये भी भूकंप का कारण बनते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि भूकंप प्राकृतिक मानवीय दोनों कारणों से आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी काबिले गौर है कि अवैज्ञानिक मानवीय बसावट के कारण भूकंप एक प्राकृतिक घटना मात्र से एक आपदा में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो है आपदा में भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप से बहुत बड़ी हानि हो रही है। जैसे गुजरात में 2004 में आया भूकंप जो है बहुत ही हानिकारक, एक में और चार में आया भूकंप कितना हानिकारक रहे हैं। इसके बाद जो है आप देखते हैं तो नवा प्रश्न है आपका, तापमान के भौगोलिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। ये क्या है? पृथ्वी की सतह पर तापमान में काफी विषमता पाई जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों, आपको बता दें कि जो भूकंप रेखीय क्षेत्र है, जैसे पृथ्वी है आपकी, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, जीरो अंश की रेखा, जीरो अंश की रेखा के ठीक नीचे 23/1/2 रेखा है, और यहां पर जो है आपकी यहां भी 23/1/2 रेखा है। इसके द्वारा जो है आपको बता दें कि कैसे प्रक्रिया द्वारा ये होता है, तो आपको बता दें जैसे अक्षांशीय वितरण, आप जान रहे सूर्य, यहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, यहां पर सूर्य की क्या होती, सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण 0 डिग्री पर तापमान सबसे ज्यादा होगा, यहां पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होने के कारण यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक है, वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ध्रुवों मीन्स यहां पर जो रेखाएं हैं, यहां पर ध्रुवों पर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर जाएंगे, वहां पर बर्फ वाला वातावरण बना रहता है, मतलब हमेशा ठंडी बनी रहती है। प्रचलित हवाएं, हवाएं भी इसका कारण बनती हैं। ये ग्राफ द्वारा देखिए, अक्षांशीय विस्तार, प्रचलित हवाएं, भौगोलिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, स्थल व जल का प्रभाव, समुद्री धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं भी इसको प्रभावित करती हैं, ऊंचाई भी इसको प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जो है हम बात करते हैं अक्षांशीय वितरण, सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी पर केवल कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य पर, आपको बता दें कर्क रेखा मीन्स हो गया 23/1/2 उत्तर की ओर, और मकर रेखा 23/1/2 दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ, एक तरफ कर्क रेखा दूसरी तरफ मकर रेखा पड़ती है। इसके जो बीच में सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर प्रति इकाई सूर्यातप की अधिक मात्रा आ जाती है। जैसे ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, सूर्य की किरणें जो है दूर होती जाती हैं, जिसके कारण वहां पर सूर्यातप में कमी होती जाती है, जिससे तापमान कम होने लगता है, वहां पर सदैव बर्फ जमा रहता है। अब ये चित्र द्वारा इसको समझ सकते हैं, ये आपका सूर्य है, सूर्य के प्रकाश का प्रसार कम क्षेत्र में जब पड़ता है तो यहां पर गर्मी ज्यादा होगी, जब यह प्रकाश फैलाव में आएगा तो पता चला सूर्य जो है चंद्रमा जैसा प्रतीत होने लगता है, मतलब सूर्य जो है प्रभावहीन हो जाता है। ऊंचाई, ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है इसको, किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, जब जहां पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहां पर तापमान में क्या होगी, कमी आती आने लगती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 किमी की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैसे आप 165 मीटर कहां पर क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। स्थलीय व जलीय प्रभाव कैसे होता है, स्थलीय क्षेत्र जलीय क्षेत्र की तुलना में शीघ्र गर्म और ठंडे हो जाते हैं। जहां पर केवल स्थल होगा वहां पर स्थल जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा हो जाएगा, जहां पर पानी होगा वह धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो तापमान जो है स्थलीय क्षेत्रों में तेजी से बदलता है, जबकि जलीय क्षेत्रों में धीरे धीरे बदलता है। अतः जिन क्षेत्रों में जलीय प्रदेशों का प्रभाव अधिक रहता है वहां का दैनिक तापांतर कम रहता है, दैनिक माने रोज का तापांतर क्या होता है, कम रहता है, जबकि स्थलीय क्षेत्रों में जैसे ही बढ़ते जाएंगे दिन रात के तापमान में भी अंतर बढ़ता जाएगा।
अब बात करते हैं समुद्री धाराएं। समुद्री क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराओं का नियमित प्रवाह होता है। ये धाराएं स्थानीय तापमान को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार गर्म जलधारा क्षेत्र का गर्म व ठंडी जलधारा क्षेत्र को ठंडा रखने में मदद करती है। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भाग को शीतकाल में गर्म रखने में मदद करती है। प्रचलित हवाएं समुद्री जलधाराओं की तरह ही प्रचलित हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। ठंडी हवाएं क्षेत्र के तापमान को कम, गर्म हवाएं क्षेत्र के तापमान में वृद्धि करती हैं। जैसे फ्रांस में प्रवाहित होने वाली मिस्टिल पवन क्षेत्र के तापमान को कम कर देती हैं। इस तरह किसी भी क्षेत्र का तापमान अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर और आखिरी प्रश्न होता है ये, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति जिन योजनाओं से होती है उन्हें जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इनकी तुलना में लघु नदी घाटी परियोजनाओं के समर्थन के क्या कारण हैं? बहुउद्देशीय परियोजना ऊंचे बांध वाली ऐसी विशाल नदी घाटियों की परियोजना होती हैं जिसके द्वारा अनेक उद्देश्यों के साथ एक साथ प्राप्त की जा सकती है। जैसे सिंचाई के लिए जल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, बाढ़ से बचाव, पर्यटन, पेयजल आदि। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक मंदिर कहा, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं द्वारा लाभों के साथ अनेक समस्याएं भी हैं, जैसे लोगों के पुनर्वास की समस्या। आपको बता दें कई ऐसे आंदोलन किए गए जो किसके लिए थे, मतलब इनकी समस्याओं को दूर करने, जैसे लोगों के पुनर्वास की समस्या, अनेक सांस्कृतिक एवं नैसर्गिक जीवन शैली में प्रतिकूल प्रभाव की समस्या, विभिन्न वन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों के विनाश की समस्या, उर्वरक भूमि व वनों के जलमग्न होने की समस्या, भूमि के लवणीकरण की समस्या, पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या, भूगर्भिक असंतुलन के कारण भूकंप की संभावना की समस्या भी बढ़ जाती है, बांधों के टूटने से भयंकर बाढ़ की आशंका हो जाती है, विप्लव के कारण बढ़ते लागत की समस्या भी आ जाती है। आपको बता दें इससे जो है लागत भी बढ़ जाती है। अंततः इस कारण अनेक पर्यावरणविदों तथा जल वैज्ञानिकों द्वारा छोटे बांधों के निर्माण की वकालत की जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जहां सिंचाई व विद्युत की केंद्रीय क्षेत्रीय आवश्यकता के पूर्ति संभव है। चीन ने छोटे बांधों के निर्माण द्वारा विद्युत उत्पादन में महती उपलब्धि हासिल की है। चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है, चीन इसमें टकराव की स्थिति में भारत से, तो आप जानते होंगे चाइना क्या करता है, छोटे छोटे बांध बना करके नदी घाटी परियोजनाओं का विकास करता है, जबकि भारत में बड़े बड़े विशाल बांधों का निर्माण किया गया। विश्व के बड़े बांध भारत में ही है। वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा बड़े बांधों के निर्माण के कारण होने वाली हानियों से भी बचा जा सकता है। इनकी निर्माण लागत कम होने तथा पुनर्वास की समस्या न उठने के कारण इनका निर्माण व क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से हो सकता है। इसके अलावा एक बृहद बांध की तुलना में लक्षित क्षेत्र में लघु नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण करना कर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग भी संभव है। ये आपका जो प्रश्न था, 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन पीडीएफ को आप जो है हमारी वेबसाइट जो है मनोज आईएएस की वेबसाइट है, ये आपका है www.manojis.com, इससे प्राप्त कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए आप जो है सदैव जो है लगे रहें। आपको बता दें कि बहुत टाइम नहीं बचता है मेंस पीटी के बाद, जब पीटी आप दे लेंगे मेंस के लिए कुछ दिन का ही समय रहता है, इतने जल्दी आपका ये आंसर आईटी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए अभी से आप प्रयत्न करेंगे, नहीं तो पीटी के बाद मेंस जो देना है, मेंस नहीं तो इंटरव्यू नहीं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए आप जो है मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और इसके अतिरिक्त जो है कमेंट करके अपनी समस्याओं को अवगत कराएं, ठीक है, अपने प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अब हम लाइव क्लास भी चलाने जा रहे हैं, जल्द ही आपको मनोज आईएएस का ऐप भी उपलब्ध होगा और इस ऐप के माध्यम से आप अपनी समस्याएं मतलब आसानी से मनोज आईएएस के प्रोग्राम को प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।